कुछ उन ऐसे लोगों की जो जिंदा तो है पर उनका अस्तित्व, उनकी गरिमा, उनका स्वाभिमान सब पर चुका है। ये कहानी है उनकी जो कल तक एक हस्ती खेलती बच्ची हुआ करती थी और आज एक अंधेरे बंद कमरों में वो चीख चीख कर अपने बचपन को खोज रही है। इस कहानी के बाद से अब कुछ लोग परिचित भी होंगे परंतु इस बात को मानने से कतराएंगे। ये कहानी है वैश्याओं की जो अपने खेलने की उम्र में 500 रुपए में बिक गई और नाचने लगी, जो दोस्तों के साथ खेलने कूदने की उम्र में अपने माँ बाप का पेट पाल रही थी जिस्म बेचकर। कितने मजबूर है ये सब तकदीर के हाथों में, ना पाने की उम्मीद है ना खोने का हौसला। ये है एक कहानी सिंबायोसिस लॉ स्कूल नोएडा के कटाक्ष की जुबानी। अगर अच्छा लगे और दिल को छू जाए तो तालियां बजाना, एक सोच पैदा करना और कोशिश करना कि यह बदलाव समाज में आ सके। दोस्त हो या दुश्मन, बूढ़ा या जवान,
कोई उसका फिक्र नहीं थी और इस तरह मैं इस दुनिया में आ गई। पर इंसान ये भी है, ये हम समझ ना पाए। Thank you.
बाजा की मैं बड़ी
भला बुरा किसी को कहने देंगे नहीं और जुल्म लोगों का सहने देंगे नहीं। सरकार कुछ करे, साथ हम कुछ करें, अब किसी को भी वैश्या रहने देंगे नहीं। गलत अगर यह है तो नया काम इनको दो, रोटी दो, कपड़ा दो, मकान इनको दो, दो इज्जत, दो प्यार, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम इनको दो, दो मकसद जीने का, साथ जिंदा रहने की खुशी और नई दिशा में ला के अपना नाम इनको दो।